बहुत अच्छा है, ओवरऑल हेल्थ के लिए आपके लिए बहुत अच्छा है, ओवरऑल डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रांग बनाने के लिए बहुत अच्छा है, आपको दिन भर एनर्जेटिक रखने के लिए बहुत अच्छा है, आपको फैट फ्री प्रोटीन देने के लिए बहुत अच्छा है, विटामिन मिनरल्स की पूर्ति करने के लिए डाइट चार्ट बहुत अच्छा है, और जो है आपको बहुत अच्छा लगेगा खा के, आप मतलब 15 दिन में अपने आप को बहुत ज़्यादा हेल्दी और फिट महसूस करेंगे। तो अगर आप एक्सरसाइज के साथ ही डाइटिंग करते हैं फॉलो तो बहुत अच्छी बात है, बेस्ट है, वरना आप अगर एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो भी अगर आप ये डाइट चार्ट फॉलो करेंगे तो एक महीने में आपकी बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी, आपका फिगर बहुत अच्छा फिजिक निखर के आएगा, आपके चेहरे पे ग्लो दिखने लगेगा, आप फिजिकली फिट हो जाएंगे, अंदर से आपको फिट महसूस होगा, आपका फैट बर्न होगा, आपका पेट कम हो जाएगा, टमी कम हो जाएगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था आज का वेजिटेरियन डाइट चार्ट, वेजिटेरियन लोगों के लिए, नॉन वेजिटेरियन लोगों के लिए मैं बाद में डाइट चार्ट बताऊंगी। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। देखिए आज मैं आपको पतले होने के लिए, टमी फैट कम करने के लिए मैं आपको बहुत अच्छा डाइट प्लान बता रही हूँ। ये वेजिटेरियन लोगों के लिए है, वेज डाइट प्लान है, नॉन वेज डाइट प्लान मैं बाद में बताऊंगी नॉन वेजिटेरियन लोगों के लिए। तो ये वेज डाइट प्लान है, इसको अगर आप फॉलो करते हैं, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप वही तेल घी वगैरह वही चीजें खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, तो आपको इससे फायदा नहीं होगा। इसके साथ साथ आप अगर डाइटिंग भी करेंगे तो इस चार्ट के मुताबिक अगर आप डाइट लेंगे तो आपको बहुत ज्यादा अपने आप में फर्क महसूस होगा, आपका पेट कम हो जाएगा और आप में धीरे धीरे से चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, सबसे पहले आप करेंगे 7 बजे सुबह में उठ के, आपको 7 बजे लेना है ड्रिंक, कौन सा ड्रिंक लेना है जो हेल्दी भी हो और जो आपके पेट को साफ करे और आपका फैट बर्न करे। देखिए कुछ पेट बढ़ता है गैस ब्लोटिंग की वजह से, और आपका खाना नहीं पचना उसकी वजह से भी पेट बढ़ता है, बड़ा हो जाता है। हालांकि आप मान लो बहुत से लोग लीन थिन है लेकिन पेट उनका बड़ा दिखाई देगा क्योंकि उनको कॉन्स्टिपेशन रहता है, उनको गैस की प्रॉब्लम है, वो नहीं समझ पाते इस चीज को लेकिन उनको गैस की प्रॉब्लम है। तो देखिए सुबह सुबह में आपको उठ के क्या करना है, आपको 7 बजे सबसे पहले आपको लेना है हींग, 2 चुटकी हींग और उसमें 2 चुटकी ही काला नमक, ये आपको गुनगुने पानी में घोल के पीना है। सबसे पहले 7 बजे आपको ये करना है, ठीक है। अब उसके बाद आप अपने काम में लग जाइए, आपको कोई चाय वाय नहीं लेना है उस टाइम पे। आप नाश्ता करेंगे ब्रेकफास्ट 9 बजे, ठीक है, उससे पहले आपको सिर्फ ये लेना है, फिर आप अपने एक्सरसाइज कीजिए, जो भी आपके रूटीन है वो वर्क कीजिए, 2 घंटे तक आपको कुछ नहीं लेना है इसके बाद, ठीक है। अब और आप अगर पानी पीते हो ज्यादा, गुनगुना वगैरह 2 गिलास 3 गिलास तो वो एक्स्ट्रा पी सकते हैं, बाकी आपको खाना कुछ नहीं है। अब उसके बाद आप 9 बजे नाश्ते में 9 बजे जो ब्रेकफास्ट बनेगा वो आपका हैवी होगा, उसमें आपको हैवी फाइबर चाहिए, उसमें आपको विटामिन चाहिए, उसमें आपको मिनरल्स चाहिए और उसमें आपको फाइबर चाहिए, सॉरी फाइबर बोल दिया, उसमें कैल्शियम आयरन सभी चीजें होना चाहिए, मतलब कुल मिला के हेल्दी नाश्ता आपको लेना है जो प्रोटीन से भरपूर, फैट फ्री प्रोटीन। अब उसके लिए आप क्या करेंगे, देखिए 2 दिन पहले आप मूंग भिगोएंगे खड़े मूंग, और उसमें 2 दिन बाद स्प्राउट्स आ जाते हैं, ये आजकल स्प्राउट बॉक्स आ रहा है उसमें सुबह से शाम ही स्प्राउट्स आ जाते हैं, आपको कम से कम इतने लंबे लंबे उसके स्प्राउट्स निकालने हैं, अंकुरित करना है, अंकुरण जो है वो इतने लंबे लंबे 2 इंच की हो जाना चाहिए तब उसको आपको काम में लेना है। अब आप उसको कैसे लेंगे, देखिए स्प्राउट मूंग को, खड़े मूंग जो आते हैं हरे मूंग, उनको स्प्राउट्स बनाने हैं, अंकुरित करने हैं, उसको 1 कटोरी आप लेंगे पूरा, 1 बाउल 1 कटोरी आप लेंगे पालक, मतलब दोनों एक ही क्वांटिटी में, 1 आप लेंगे मीडियम साइज का टमाटर और 1 लेंगे आप हरी मिर्च और साथ में सेंधा नमक, ये सारा आप कुकर में डाल देंगे 2 कटोरी पानी के साथ, ठीक है। अब उसको आप 1 सीटी लगा लेंगे, वो हाफ कुक हो जाएंगे, मतलब पूरे नहीं गलाना है आपको, हाफ कुक। देखिए आप ये सब नोट कर लीजिए, या आप मेरी वीडियो बार बार देखिएगा तो मुझे ही फायदा उसका, नहीं तो आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, ये सारी चीजें इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए तो आपको ज्यादा अच्छा सा आपका डाइट प्लान बन जाएगा, डाइट चार्ट बन जाएगा, फिर आप उसको फॉलो करते रहिए। अब ये सारी चीजें आपको कुकर में बॉइल करना है, 1 सीटी लगाना है। अब उसके बाद आप कुकर में से उसको निकाल लेंगे और उसको चम्मच से क्रश कर देंगे, जितना क्रश हो पाए इतना क्रश कर लेंगे उसको। अब इसमें आप डालेंगे
एक चम्मच फुल भर के देसी। देखिए देसी घी खाना बहुत ज्यादा जरूरी है, आप तेल छोड़ रहे हैं, आप घी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आपके आंतों में चिकनाई जरूरी है, आपके फेस पे ग्लो जरूरी है और आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग करता है घी, और घी आपका कॉन्स्टिपेशन दूर करता है, तो आपको घी खाना भी जरूरी है। आप एक चम्मच उसमें डालेंगे घी और दो चम्मच डालेंगे आप फ्रेश आंवला जूस। देखिए अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है, आंवले का सीजन नहीं है, तो आप किसी का ला के रख सकते हैं, पतंजलि का ले आइए, डाबर का ले आइए, कोई भी आंवला जूस ले आइए, तो दो चम्मच आपको उसमें आंवला जूस डालना है। अब आप उसको ले लीजिए नाश्ते में, कितना लेना है 200 ml लेना है एक कटोरी भर के, 200 ml का एक नाप बना लीजिए एक कटोरी, बस उसी को आपको खाना है ब्रेकफास्ट में, वो फुल भर के खाना है आपको, ठीक है। तो 200 ml आपको 200 ml ये लेना है, बाकी अगर बचे तो आप उसको पराठे बना लीजिए, उसकी मतलब जो है दूसरों के लिए, यानी उसको किसी और सब्जी में मिक्स कर सकते हैं, या कोई और हो आपके साथ खाने वाला तो वो भी खा सकता है, ठीक है। या आपको अगर क्वांटिटी बनानी आती तो आप इतना ही बॉईल कीजिए, धीरे धीरे से आपको आ जाएगी कि आपको एक कटोरी यानी 200 ग्राम वो अवेलेबल हो जाए, आप इतना ही उसको लीजिए। देखिए अगर ये बच जाए तो मैं आपको आगे बताऊंगी कि आप किसमें इसको मिक्स कर सकते हैं, आप अपने खाने के लिए, ठीक है, और अगर दूसरों के खाने के लिए कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं। ये आपका हो गया नाश्ता। 7 बजे ड्रिंक लेना है, कौन सा? हींग वाला, हींग और काले नमक का, ठीक है, इन दोनों का मिला के आपको ड्रिंक लेना है। धीरे धीरे उसको बढ़ाते जाइए, पहले 2 चुटकी से स्टार्ट कीजिए, फिर उसको आधे चम्मच तक ले आइए, आधा चम्मच हींग, आधा चम्मच काला नमक, ठीक है, गुनगुने पानी में। अब उसके बाद अपना ब्रेकफास्ट हो गया 9 बजे, ठीक है, 7 से 9 दो घंटे का गैप दिया अपन ने, 9 बजे ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में स्प्राउट्स, मूंग, पालक, टमाटर और हरी मिर्च एक, और जो है नमक, और बाद में उसमें कुक होने के बाद उसमें डालना 1 चम्मच देसी घी, 2 चम्मच आंवला जूस, ठीक है, फ्रेश आंवला जूस। अब अपन चलते हैं लंच की तरफ। देखिए लंच में आपको क्या लेना है, बाजरे का आटा या रागी का आटा, दोनों में से एक आटा लेना है, या दोनों हाफ हाफ करके दोनों आटे ले लीजिए। ये ग्लूटेन फ्री होते हैं, ये डायबिटीज भी कंट्रोल करते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद है। और आजकल गेहूं का आटा वैसे भी खराब आ रहा है, इसको खराब मान रहे हैं, तो आप ये ले लीजिए बाजरा या रागी का आटा। उसको एक बाउल में ले लीजिए, 2 चम्मच लेना उसको, बड़े 2 चम्मच जो आपके कुकर वगैरह में सब्जी बनाने के काम आते हैं वो वाले 2 चम्मच ले लीजिए, यानी उसको आप समझ लीजिए 100 ग्राम लगभग। अब उसमें आप डालिए लौकी कद्दूकस की हुई, गाजर कद्दूकस की हुई, प्याज कद्दूकस की हुई, हरी मिर्ची डाल लीजिए। अगर आपको लौकी का टेस्ट नहीं पसंद है तो आप कोई और सब्जी भी यूज कर सकते हैं। इस जगह पे आप अगर जो सुबह का आपका वो बचा हुआ है जो ब्रेकफास्ट का मटेरियल, वो भी आप इसमें डाल सकते हैं, इसके लिए मैंने बताया था कि आपको उसका यूज हो जाएगा। ये डाल लीजिए और इसमें नमक, लाल मिर्ची पाउडर जितना आप खाते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिए, थोड़ा सा जीरा डाल लीजिए और उसमें पानी डाल लीजिए और उसको पेस्ट बना लीजिए। उसको पेस्ट बनाना है। देखिए अपन यहाँ पराठे कैसे बनाएंगे, पेस्ट बना के पराठे बनाएंगे, गूंदने में नहीं आएगा, क्योंकि अपन ये इतना सारा सब्जियां जब मिला देंगे तो उसका जो होता है ज्वाइंट करने वाला, मतलब उसको क्या बोलते हैं उस चीज को, वो बाइंडिंग एजेंट कम हो जाएगा, यानी आटा उसमें कम हो गया, वैसे ही बाजरे का आटा और इसमें लोच कम होता है, तो बाइंडिंग एजेंट कम होने से आप बेल के पराठे नहीं बना सकेंगे। तो उसका आपको जैसे बेसन के भजिए बनाने हैं इस टाइप का पेस्ट बनाना है। उसमें क्या क्या डालना, देखिए मैंने आपको बताया, बाजरा या रागी का आटा लेना है या दोनों हाफ हाफ मिक्स करके लेना है आपको। उसमें आप आल लौकी कद्दूकस की हुई, प्याज कद्दूकस की हुई, और शिमला मिर्च हो तो वो कद्दूकस की हुई, या हरी मिर्च कद्दूकस की हुई, ये चीजें आपको डालना है। सूखे मसाले में आप नमक, लाल मिर्ची, धनिया पाउडर डाल लीजिए, जीरा डाल लीजिए, ये सारा बहुत अच्छी चीजें हैं, ये सब उसके अंदर आप डाल लीजिए और आप उसको पेस्ट बना लीजिए। आप पेस्ट बना के घी पे, तवे पे थोड़ा सा घी लगा के आपको उस पे फैला देना है, इतने बड़े बड़े साइज, लगभग पूड़ी से पूड़ी बराबर, जैसे जो भोज वगैरह में पूड़ी बनती है वो साइज का आपको बना लेना है। तवे पे फ्राई कर लेना है, पहले इस साइड से फिर साइड चेंज करके उसको फ्राई कर लेना है। वो आपको खाने हैं 2 लंच में, ठीक है, लंच में आपको 2 पराठे पूरे खाने हैं, वो 12 से 1 के बीच। अब उसके साथ आपको दही लेना है, दही में बस आप सेंधा नमक डालेंगे और कुछ नहीं डालेंगे, उस दही के साथ उन पराठों को आपको लंच में लेना है।
बहुत अच्छा है। दही आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, पॉजिटिव बैक्टीरिया बढ़ाता है, आपका कॉन्स्टिपेशन ठीक करता है, आपकी गैस ब्लोटिंग वाली प्रॉब्लम ठीक करता है, आपकी एसिडिटी ठीक करता है, आपके चेहरे पे चमक लाता है। दही बहुत अच्छी चीज है। दही आपको पूरी गर्मी, बस बारिश के 2 महीने छोड़ के हमेशा आपको दही खाना चाहिए। तो वो आप लंच में ले लीजिए, 12 से 1 के बीच में आप लंच कर लेंगे, बहुत अच्छा है। ये मैंने बताया आपको। देखिए और भी कुछ आपकी क्वेरीज हो, कुछ आपको समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट में कर सकते हैं। देखिए मैं थोड़ी लेंदी वीडियो बना रही हूँ क्योंकि आपको चाहिए था डाइट चार्ट, इसलिए मैं बना रही हूँ। तो देखिए ये आपका लंच हो गया। अब लंच करने के आप आधा घंटे बाद ग्रीन टी पियेंगे। ग्रीन टी बहुत सारी आ रही है, लिप्टन की आ रही है, चायोस की आ रही है, अगर आप वो यूज कर सकते हो तो ठीक है, अगर आप बना सकते हो तो बेस्ट, बहुत अच्छी बात है। घर पे आप बना लीजिए, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स बनती है। आप नींबू के छिलके ले लीजिए, आप करी पत्ता ले लीजिए, आप उसमें जो है कच्ची हल्दी आ रही उसका एक पीस ले लीजिए, आप अदरक का पीस ले लीजिए, आप पुदीने की पत्तियां ले लीजिए और आप थोड़ी सी उसमें गुड़ डाल लीजिए या बाद में बनने के बाद उसमें हनी डाल लीजिए, उसको अच्छे से ढक के बॉईल कर लीजिए। काली मिर्ची ले लीजिए, नमक ले लीजिए, जो भी आप ये ले सकते हैं, लौंग वगैरह जो भी चीजें आप ले सकते हैं घर में अवेलेबल, 5-6 चीजें उसमें डाल लीजिए अपने हिसाब से सोच सोच के। तो आज इसकी ले ली, आज अदरक की ले ली, तो कल काली मिर्च की ले ली, ऐसा करके आप ग्रीन टी में चेंजेस ला सकते हैं घर पर बनाई हुई में, ठीक है। तो और उसमें आप फिर जो ग्रीन टी के पत्ते ले आइए बाजार से, वो डाल लीजिए थोड़े से, आपकी ग्रीन टी तैयार हो गई। आप उसको ढक के रखिए थोड़ी देर, बॉईल कर लीजिए 2-3 मिनट और फिर आप उसमें जो है हनी डाल लीजिए, अगर आप गुड़ पसंद नहीं करते हैं तो हनी डाल लीजिए। ग्रीन टी आपकी रेडी हो गई। और अगर ग्रीन टी की मैंने बनाई भी है रेसिपी, मैंने डाली अपलोड भी करी है, होममेड ग्रीन टी, वो भी आप यूज कर सकते हैं। आप ये चायोस लिप्टन वगैरह के पाउच भी यूज कर सकते हैं, सेशे जो आते हैं डिप वाले वो भी यूज कर सकते हैं। तो आप वो आधा घंटे बाद लंच के आधा घंटे बाद आप ग्रीन टी का सेवन करेंगे, ये बहुत जरूरी है आपका फैट पिघलाने के लिए, ठीक है। वैसे भी खाने के बाद आपको गर्म पानी, अगर आप डाइट पे नहीं चल रहे हैं तो भी आपको गर्म पानी पीना ही चाहिए, आधा घंटे बाद 1 गिलास गर्म पानी, ठीक है। तो अब ये आपका ग्रीन टी वाली बात हो गई। अब आप सारा छोड़ दीजिए, आपने लंच कर लिया उसके बाद ग्रीन टी ले ली, ठीक है। अब आपको 3-4 घंटे अपने पेट को रेस्ट देना है, ठीक है। देखिए अब हमें सीधे चलना है डिनर की तरफ। लंच के बाद ग्रीन टी, ग्रीन टी के बाद अगर आपको कहीं भूख लगती है डिनर तक, 4-5 घंटे का आपको वैसे अपने पेट को गैप देना चाहिए। अगर आपको बहुत ज्यादा भूख लगती है तो आप सिर्फ गाजर या खीरा खाएंगे उस बीच में, ये सिर्फ 2 चीजें आपको खाना है। कोई जंक फूड नहीं खाना है, कोई आपको ये तली हुई चीजें नहीं खाना है, फ्राइड आइटम्स कुछ नहीं खाना है, आपको सिर्फ खीरा या गाजर का सेवन करना है डिनर तक, ठीक है। अगर आपको भूख लगती है तो, नहीं लगती है तो आप सिर्फ पानी पियेंगे तो बहुत अच्छी चीज है, डिटॉक्स वाटर पियेंगे तो बहुत अच्छी चीज है। अब डिनर में अपने को क्या करना है, डिनर में आपको चाहिए 1 कद्दू, गोभी, टमाटर, गाजर, ये चीजें आपको चाहिएंगी अपने लिए बनाने के लिए। देखिए अगर आप कद्दू नहीं पसंद करते हैं, वैसे कद्दू बेस्ट है, लेकिन अगर कद्दू नहीं पसंद करते हैं, आप नहीं खाते हैं, तो आप उसके ऑप्शन में लौकी ले सकते हैं, आप गिलकी ले सकते हैं और आप तोरई ले सकते हैं, ये सारी चीजें आप सीजनल सब्जी ले सकते हैं, ये भी बहुत अच्छी सब्जियां हैं, लेकिन कद्दू बेस्ट है। देखिए कद्दू में बहुत ज्यादा आयरन होता है, कैल्शियम होता है, पोटेशियम होता है, बहुत ज्यादा आपकी गट हेल्थ के लिए कद्दू बहुत बेस्ट है। तो ये सारी चीजें आप ले लेंगे, सब्जियां जो भी है सीजनल सब्जियां, आप गोभी जरूर लेंगे उसमें, आप शिमला मिर्च लेंगे, आप टमाटर लेंगे और ये इन सबको आप कुकर में डाल देंगे पानी में, और उसमें आप डालेंगे लाल मिर्च, एक हरी मिर्च, एक अदरक का टुकड़ा और 2-3 लहसुन की कलियां लेंगे आप, और जो है इसमें हल्दी ज्यादा डालेंगे, हल्दी 2 चम्मच डालेंगे। देखिए हल्दी में माइक्रो बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है जो आपके गुड बैक्टीरिया को, जो आपकी हेल्दी बैक्टीरिया को बढ़ाती है, इंक्रीज करती है, जो आपको इन सब चीजों से, बीमारियों से लड़ने की ताकत देते हैं, आपका डाइजेशन अच्छा करते हैं। अदरक भी आपका डाइजेशन बहुत अच्छा करती है, और टमाटर में विटामिन सी होता है, मिर्ची में विटामिन सी होता है, जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी आपको चाहिए, मिनरल्स चाहिए, आयरन चाहिए, विटामिन चाहिए, अगर आप डाइट कर रहे हैं, डाइटिंग कर रहे हैं तो, क्योंकि आपको एनर्जी तो चाहिए भरपूर, खाली आपको बिना खाली पेट, बहुत से लोग खाली रहते हैं बिना खाए पिए, उन लोगों की को डाइट नहीं कही जा सकती, उनको डाइटिंग उसे कहते हैं जो आपको एनर्जेटिक रखे, दिन भर आपको काम के लिए ताकत दे और आपका पेट भी भरा हुआ रखे, वो होता है डाइटिंग।
तो फ्रेंड्स अब उसके लिए लंच में आपको इन सबको आपको बंद करके कुकर में और रख देना है, आपको दो सीटी लगा लेना है, अच्छे से उसको कुक कर लेना है, ठीक है। क्योंकि अपन ने सुबह में हाफ कुक खाया था, शाम को आपको फुल कुक खाना है। अच्छे से उसको गला लीजिए बहुत अच्छा, और उसको अच्छा मतलब उसको घोट लीजिए, अच्छा पेस्ट बना लीजिए, फिर वो आपको खाना है। उसमें डालना है आपको एक चम्मच देसी घी। देखिए एक चम्मच देसी घी अपन ने सुबह में खाया था, एक चम्मच देसी घी आपने शाम को खाया, क्योंकि आप दूसरी कोई ऐसी चीज नहीं ले रहे हैं जिसमें ऑयल हो, है ना, जिसमें फेट हो, तो आपको घी लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब आपने उसमें घी डाला और आपको दो चम्मच उसमें डालना है वही आंवले का जूस। बहुत ज्यादा शानदार होता है, इम्यूनिटी बूस्टिंग होता है, आपको विटामिन सी देता है भरपूर मात्रा में, आपका डाइजेशन बहुत अच्छा करता है। तो आप ये ले लीजिए और इसको मतलब आप खाइए, आराम से मजे लेकर खाइए, टेस्टी लगेगा। अगर आप टेस्ट के लिए कुछ और डालना चाहते हैं उसमें, तो आप काली मिर्च डाल लीजिए, आप सेंधा नमक और बढ़ा लीजिए ताकि उससे आपका टेस्ट उसका टेस्ट बढ़ सके। तो उसको टेस्टी बना के आप वो खा लीजिए। कितना खाएंगे, दो कटोरी, 200 ग्राम की दो कटोरी, सॉरी 100 ग्राम की दो कटोरी हो या फिर 200 ग्राम अकेला हो, जितना सुबह खाया था आपने लंच उतना ही आपको डिनर में खाना है। 200 ग्राम खाना है टोटल चीज, ठीक है, मतलब एक कटोरी का माप 200 ग्राम का बना लीजिए, वो आपको खाना है डिनर में। ये हुई डिनर की बात। अब आप उसके 15 मिनट बाद ग्रीन टी ले लीजिए वापस एक कप, ठीक है, बहुत अच्छा है ओवरऑल हेल्थ के लिए, आपके लिए बहुत अच्छा है, ओवरऑल डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रांग बनाने के लिए बहुत अच्छा है, आपको दिन भर एनर्जेटिक रखने के लिए बहुत अच्छा है, आपको फैट फ्री प्रोटीन देने के लिए बहुत अच्छा है, विटामिन्स मिनरल्स की पूर्ति करने के लिए डाइट चार्ट बहुत अच्छा है, और जो है आपको बहुत अच्छा लगेगा खा के, आप मतलब 15 दिन में अपने आप को बहुत ज़्यादा हेल्दी और फिट महसूस करेंगे। तो अगर आप एक्सरसाइज के साथ ही डाइटिंग करते हैं फॉलो, तो बहुत अच्छी बात है, बेस्ट है, वरना आप अगर एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो भी अगर आप ये डाइट चार्ट फॉलो करेंगे तो एक महीने में आपकी बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी, आपका फिगर बहुत अच्छा फिजिक निखर के आएगा, आपके चेहरे पे ग्लो दिखने लगेगा, आप फिजिकली फिट हो जाएंगे, अंदर से आपको फिट महसूस होगा, आपका फैट बर्न होगा, आपका पेट कम हो जाएगा, टमी कम हो जाएगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था आज का वेजिटेरियन डाइट चार्ट, वेजिटेरियन लोगों के लिए, नॉन वेजिटेरियन लोगों के लिए मैं बाद में डाइट चार्ट बताऊंगी। बहुत अच्छा है ये, बहुत बहुत अच्छा है, टेस्टी भी है, आपको सारी चीजों की पूर्ति भी करेगा बॉडी में, और जो है आपको स्ट्रांग बनाएगा, हेल्दी बनाएगा, उसके साथ साथ आपका फैट बर्न करेगा, आपको स्लिम ट्रिम रखेगा। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको वीडियो, और भी कोई क्वेरीज हो, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं। प्लीज एंड तक पूरी वीडियो देखें ताकि आपको सारी चीजें डिटेल में पता चल सके। तो फ्रेंड्स देखते रहिए मेरी चैनल, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।